उज्जैन के बड़नगर तहसील में आने वाली ग्राम पंचायत बोमलबास में रहने वाले ग्रामीण मुख्य सड़क में निर्माण में अनियमितताओं से बेहद परेशान हैं। ठेकेदार की लापरवाही इस कदर रही कि पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण कराना था और नाली का निर्माण नहीं किया गया, जिसकी वजह से कई ग्रामीण स्थानीय निवासी परेशान हैं। बारिश में रोडों पर बहता हुआ पानी घरों के अंदर आ जाएगा और हादसे दुर्घटनाओं को अंजाम देगा। स्थानीय ग्रामीणजनों ने समस्या ठेकेदार को बताई पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया, ग्रामीणों की समस्या का निदान नहीं किया गया। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। ठेकेदार को रोड के साथ नाली बनाना थी, नाली नहीं बनी, क्या दिक्कत आई बताइए? नाली अभी तक बनी नहीं है। नहीं बनी है तो क्या दिक्कत आएगी? अब क्या दिक्कत आएगी कि हमारे घर में पानी घुसेगा, उससे हमको रहने करने में सब में दिक्कत आएगी। जब रोड बन रहा है, करोड़ों रुपये राशि खर्च हो रही है सरकार की, तो ठेकेदार को तो नाली पहले बनाना थी, नाली का ध्यान रखना था। हाँ तो नाली भी ना बनी है, ना जैसे किसी चेर दी है, अच्छा। पानी की निकासी तक नहीं मिल रही है। अब तो सारे लोग परेशान हो गए यहाँ पर। हाँ, सारे पूरे मोहल्ले के पूरे गांव के लोग परेशान हैं। नाली बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए नाली। क्या नाम आपका? विशाल यादव। कहाँ रहते हो? बोमलबार। काम है और अभी नालियाँ नहीं बनी तो क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है? पंचायत बोमलबार से है और इसमें रोड बनने के बाद रोड की हाइट ज़्यादा होने से गाँव में पानी घुसेगा, नाली बनाई नहीं ठेकेदार ने, और इससे राम मंदिर तक हमारा मतलब एक न्यू समझ लो कि तालाब बना हुआ रहेगा और इससे बहुत कठिनाई, हर कम से कम 100 घर में पानी घुसेगा इससे। रोड की हाइट ने रोड के साथ में नाली बनना था। ठेकेदार को पहले नाली बनाना थी कायदे से, और बोला भी ठेकेदार ने ध्यान नहीं दी, हमने उसका भी आपत्ति भी लगाई, PWD वाले को बोला, PWD वालों ने भी ध्यान नहीं दी, और इससे हमारे पूरे गाँव में पानी घुसेगा और घरों में लोगों के 50 घर तो ऐसे है कि जिसमें पानी एक भी गिरेगा तो अंदर घर में घुसेगा पानी, बहुत समस्या आई है। और एक हमारे यहाँ इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, ना हमारे गतिरोध बन रहे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।